सतना जिले के कोलगमा थाना क्षेत्र में स्थित बाबूपुर गांव में गोली चलने से सनसनी फैल गई। एक युवक बाइक से शराब दुकान पर पहुंचा और काउंटर में बैठे कर्मचारियों को निशाना बनाकर एक के बाद एक दो फायर किए। गनीमत यह रही कि गोली किसी कर्मचारी को नहीं लगी, सभी कर्मचारी जान बचाकर भाग निकले। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुरुवार की रात बाबूपुर में खुली लाइसेंसी शराब दुकान में पतौरा गांव निवासी सागर सिंह द्वारा गोली चलाने की घटना सामने आई। दरअसल दोपहर सागर सिंह शराब दुकान पर पहुंचा था और कीमत को लेकर कर्मचारियों से बहस हुई थी। इसके बाद रात में फिर सागर दुकान पर पहुंचा और बाइक से उतरकर दो फायर दाग दिए। बताया जा रहा है करीब 10 मिनट तक आरोपी दुकान के आसपास रहा। आरोपी शराब के नशे में झूमता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि चंद कदम की दूरी पर बाबूपुर चौकी थी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और तब तक आरोपी फरार हो गया। घटना की लिखित शिकायत बाबूपुर चौकी में की गई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस सागर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, इसके द्वारा शराब की दुकान पर जाकर एक बोतल शराब खरीदी गई, कुछ उसको डिस्काउंट भी मिला। दूसरी बोतल पर भी इसने डिस्काउंट चाहा तो उस गद्दीदार मैनेजर द्वारा कहा गया कि मुझे पावर नहीं है कि मैं आपको डिस्काउंट कर सकूं। इसी बात से नाराज़ होकर उसने घर जाके राइफल लेके आया और फायर किया। इस पर से धारा 386 का अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, आज शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा।